गाइस हैप्पी होली, कैसे हो आप सब? और आपकी होली बिल्कुल सेफ जाए, बहुत अच्छी जाए, बहुत अच्छे से एंजॉय करो। एंड अभी थक जाती हूँ मैं बोलते बोलते। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और देखो कलर लगा हुआ है, गुलाल लगा है। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ने होली खेल ली इन द सेंस, सिर्फ गुलाल लगाते हैं, ऐसे ही हम होली खेलते हैं। और फेस का तो मैंने क्लीन कर लिया, पर यहाँ रह गया। तो अभी 10 बज रहे हैं और मैंने भी अपने कान के इयर रिंग्स निकाल दिए हैं और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में कपड़े चेंज करने के लिए, बिकॉज लाइटिंग सही नहीं आ रही है ना, बिकॉज अभी मेरे हस्बैंड जी जा रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ होली खेलने के लिए, तो घर में कोई नहीं है। ऐसे मुझे बहुत अजीब लगता है, कोई किसी पे आजकल आप बोलते हो ना ट्रस्ट नहीं है, कोई भी आ सकता है। तो इसलिए मैं चली जाऊंगी चाची के घर पे, क्योंकि चाची है वहाँ पे, यहाँ पे मम्मी नहीं है, अदरवाइज फिर मैं घर पे रुक जाती हूँ, तो घर पे अकेले रहूँगी। इससे बेटर है कि मैं चाची के पास चली जाऊँगी। तो मैं आई हूँ कपड़े चेंज करने के लिए और अभी मैं चली जाऊँगी चाची के पास, ये मुझे छोड़ जाएंगे और आते वक्त फिर ले आएंगे, यहीं पास में रहती है एक गली छोड़कर। तो बस गाइस अभी मैं कपड़े चेंज कर लूँगी, मेरे हस्बैंड कपड़े चेंज कर रहे हैं नीचे और हम दोनों चले जाएंगे चाची के घर पर, रुक जाऊंगी मैं, तब तक मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करके आ जाएंगे, आते वक्त मुझे ले आएंगे। तो ऐसे ठीक है ना, फिर हम अपनी सेफ्टी के चक्कर में इनकी क्यों एंजॉयमेंट। सॉरी गाइस फोन आ गया था एक्चुअली। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, कपड़े यार वही है ना, दिक्कत हो गई, बिकॉज पहले के कपड़े तो मुझे टाइट आते हैं और अब जो मैंने स्टिच कराए हैं वो है नए, आप समझ सकते हो क्यों सूट खराब किए। तो मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ अपने पहनने के लिए, फिर बात करती हूँ आप लोगों से। ओके गाइस, कपड़े मैंने चेंज कर लिए और मैंने पहना है ये ब्लू वाला कुर्ता, ये कॉटन का कुर्ता है और इसके नीचे मैंने पहन लिया गोल्डन सलवार, बिकॉज इसमें ऐसी ये लाइनिंग गोल्डन की है और होली पे हम मैच एंड मैच वो मिक्स एंड मैच नहीं देखते हैं। तो मैंने पहन लिया, इस पे चल रहा था और वैसे भी ख़राब होगा तो हो जाएगा। और मेरे हस्बैंड के लिए निकाल दिया मैंने लोअर और कपड़े उठाकर रख देती हूँ और फिर चलते हैं नीचे, नीचे नीचे चलते हैं हम। और अभी चाची के घर जाना है, बाहर ना बच्चे बहुत दंगा कर रहे हैं, दिखाती हूँ आपको, देखो पूरे रोड की हालत खराब करके रख दिया बच्चों ने। तो चलो गाइस, मेरे हस्बैंड नहीं तो गुस्सा करने लग जाएंगे, कितनी देर हो गई मुझे ऊपर, तो चलो चलते हैं नीचे, लोअर ले लेती हूँ बस। ये देखो गाइस, मेरे चाची के बेटे हैं, ये चाची खड़ी हैं और ये देवर जी बस जस्ट नहा कर आए थे एकदम, और इनको दोबारा से रंग लगा दिया और बस वही साफ कर रहे हैं ये। हे गाइस, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। और अभी टाइम हो रहा है 5:30 के करीब टाइम हो रहा है और होली हमने बहुत सारी खेली थी, बट आप मेरे फेस को देखकर बोल नहीं सकते कि मैंने होली खेली थी, और मेरा बिल्कुल मुंह ग्रीन ब्लू ऐसा कुछ हो गया था। बट मैंने जो आपको ट्रिक्स और टिप्स बताए थे वो मैंने यूज़ किए और मेरा फेस एकदम वॉश करते ही क्लीन हो गया। आप देखो मेरे दुपट्टे का क्या हाल किया है इन लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने, देवर ने, यहाँ से तो क्लीन साफ है, यहाँ से देखो मतलब पूरा गंदा हो गया था पूरा, यहाँ से देखो इसमें तो दिख ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों अजीब से दिख रहा है, पर वैसे पूरा दुपट्टा गंदा हो चुका है और बहुत ही गंदा लग रहा है। और अभी सब्ज़ी बन रही है मेरी, अभी रोटी बनानी है और मेरे हस्बैंड जी हैं और फूफा जी आ गए थे, वो बैठे हैं ऊपर और इनके फ्रेंड्स हैं, वो बैठे हैं हमारे वाले फ्लोर पे। और बस गाइस अभी लंच बोलो डिनर बोलो जो कुछ भी है अभी होगा। और मेरे बाल भी अजीब से हो गए हैं, मतलब इसमें गुलाल लगा था ना तो ऊपर से तो साफ कर लिया, बट ऐसा ही है। और बस गाइस कुछ नहीं है अभी, बहुत नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा एंजॉय किया और अभी तो देखते हैं, अभी इनके फ्रेंड्स ऊपर बैठे हैं तो दोबारा शायद होली खेलेंगे जाते जाते। बट मैंने फेस क्लीन कर लिया है अपना, और अगर आप लोगों ने
वो वीडियो देखकर क्या करोगे, बट फिर भी नेक्स्ट ईयर अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए तो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी टिप्स बताया मैंने। और देखो बिल्कुल भी मेरे फेस पे कलर नहीं लगा हुआ, मेरा फेस एकदम क्लीन है। और अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ आज, बट खाना तो बनाना है तो वो सब ऊपर बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस गाइस अभी खाना खाना है हमें, अभी भूख तो बड़ी ज़ोर की लग रही है, बट अभी वो खाएंगे तब खाऊंगी मैं। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ बाद में, मैं अपनी सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ, पता चले वीडियो के चक्कर में मेरी सब्ज़ी जल जाए। हे गाइस गुड मॉर्निंग, एंड आज हो गई है 22 मार्च और होली का नेक्स्ट डे है, तो थोड़ा लेजी सा होगा। सुबह तो बहुत लेजी गई है अभी तक तो, और अभी टाइम हो रहा है 9:20 के आसपास टाइम हो रहा है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जस्ट अभी गए हैं ऑफिस और उनका लंच बनाकर दे दिया था मैंने, और मैं बना रही हूँ अभी अपने लिए चाय। एक्चुअली चाय छोड़ दिया, बट आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो बस मन कर रहा है चाय पी लूँ, और खाना तो मैं बाद में खाऊँगी, तो थोड़ी सी भूख भी लग रही है। और कल रात को मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बिकॉज़ मैंने बताया था कि हमारे घर में गेस्ट आए हैं, तो वो थे हमारे घर में, उसकी वजह से आप लोग जानते हो कि कितना काम बढ़ जाता है, खाना पीना सब कुछ उनको देखना, तो बस वही है, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और रात को बस 10 बजे के आसपास खैर फ्री हो गए थे, बट थक गए थे इतना तो बस सो गई थी मैं तब भी। तो चलिए गाइज इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। एक्चुअली मुझे पता भी नहीं है कि ये ब्लॉग कितना बड़ा बना है, कितना छोटा बना है, और जो छोटी सी क्लिप मैं डालूँगी वो उसमें है, मेरे देवर हैं वो है, वो बस नहा कर आए थे और उनके ऊपर दोबारा से रंग डाल दिया था, तो बस वही क्लिप है। उसमें मेरे हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, फूफा जी हैं, चाची हैं शायद, क्योंकि अब देखनी पड़ेगी ना कि वीडियो में कौन कौन है। तो चलो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।